दिशे गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव की अहितुक कृपा से एवं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल 84 क्रोस धाम परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह स्थान है संकेत स्थान है। ये नंदगांव और बरसाना के बीच में ही स्थान कहा गया। संकेत शब्द की अर्थ आप लोगों ने श्रवण किया, जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए यहाँ पर कई प्रकार के जो है संकेत देते थे, इशारा करते थे। संकेत शब्द की कई अर्थ होता है, इशारा देना है, पुकारना, इशारा देना, किस प्रकार से इसे कहा जाता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद प्रवर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन कुटीर भी यहाँ पर है। हमारे गोस्वामी लोग ब्रजमंडल में विभिन्न स्थानों में रह करके वह लीला आदि स्मरण करने के लिए और भजन आदि करते थे, नाम संकीर्तन आदि करते करते समस्त कथा आदि स्मरण करते थे। जैसे काल हम लोग श्रवण करते सब कीर्तन प्रभाव स्मरण हुई भी सही काले निर्जन भजन संभव। नाम संकीर्तन करते करते स्वाभाविक रूप में स्वतस्फूर्त रूप में ही अपने हृदय में ये समस्त जो है अष्टकाली लीला की भाव प्रकटित होता है। ये बहुत दुर्लभ स्थान भी है। कृष्ण गुरुदेव कहते थे कृष्ण के समय ये समस्त सुंदर सुरम्य स्थान था। कृष्ण द्विभाग में यहाँ पर गोचारण आदि करते थे, सखाओं के साथ खेलकूद आदि करते थे। वे कहीं गाय आदि बहुत दूर चले जाने पर कृष्ण बंसी आदि के द्वारा सारी गायों के एकत्रित करते थे। देखो कितने सुंदर यहाँ पर बरगद की पेड़ है, यहाँ पर अभी भी नया तो है किंतु कृष्ण के समय भी विशाल जो यहाँ पर ऐसे पेड़ वृक्ष आदि था। गर्मी के समय कृष्ण सखाओं के साथ और गायों के साथ ये पेड़ के छाये में जो है विश्राम आदि करते थे। निकट में अभी छायरी गांव भी है कहते हैं, ब्रजवासी लोग भी कहते हैं छायरी गांव। बज्रनाभ ने वो गांव की भी नाम रख दिया छायरी गांव, जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ पेड़ के नीचे छाया के जो है विश्राम आदि करते थे, इसलिए उसके नाम कहते हैं छायरी गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखो अभी अभी ये नया बन रहे हैं, जब हम लोग गुरुदेव के साथ भी आए थे कुछ साल पहले जो यहाँ पर रास स्तरीय रास मंच भी था। यहाँ पर सुंदर रास मंच, गुरुदेव किसी को जाए और रास मंच के ऊपर बैठने नहीं देते थे, और नया उधर बना रहे हैं। ये जहाँ पर ईट आदि दिखाई पड़े ना, दो मंजिल तीन मंजिल जो ईट रखा है वो वहीं पर सुंदर जो है प्रशस्त जो है वो रासस्थली था, रास सिंहासन भी वहीं पर विराजमान था। और थोड़ी आगे वहीं पर जो है झूलन की भी स्थान है, झूला जहाँ पर है, किंतु रास शब्द की अर्थ होता है नित्य गीत झूलन आदि मधुपान समस्त अनेक प्रकार लीलाओं की जो है एकत्रित होने पर उसके रास कहा जाता है। ये पर कृष्ण रात्रि काल में गोपियों के साथ ही रास विलास भी करते थे। इसमें बहुत सुंदर स्थान है और विशेष करके हम लोग पहले दर्शन करके हैं वहीं पर जो है संकेत बिहारी जो है आप दर्शन करके हैं। यहाँ पर जो है जोग माया के मंदिर है अथवा कोई किसके संकेतेश्वरी कहा जाता है। बहुत सुंदर ये स्थान है क्योंकि कृष्ण गोपियों के साथ कैसे मिलते थे, मिलने की भी बहुत तरीका होता है। कभी कभी जो है कृष्ण यह पेड़ के ऊपर उठ करके बंसी वादन करके गोपियों को एकत्रित करते थे। निसम्म गीतम तदनंग वर्दनम ब्रज स्त्री आजुनु उत्तम अलक्षिता। चलो सुखदेव को स्वयं पाद कहते हैं महाराज परीक्षित कृष्ण कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके निसम्म ने सुन करके वह समस्त गोपियां जो है दौड़ती थे। सभी गोपियां सोचती थी मेरी नाम लेकर के कृष्ण पुकार रहे हैं। इसलिए हमारे भक्तमोहन ठाकुर भी कहते हैं राधे राधे बोली मुरली बाग, राधे राधे बोली मुरली मदिया ईश्वरी नाम।
राधे बोली मुरली डाकी बे मोदियो ईश्वरी नाम। भक्ति मनोहर ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं। ये मुरली जो है क्या नाम करते हैं, राधे राधे राधे, सखियों के नाम लेकर के जब कीर्तन पुकारते हैं और समस्त सखियां जो है सत्यजा में बुला रहे हैं। तो ये समस्त संकेत की स्थान है, कभी रात्रि काल में, कभी दिवा भाग में बंसी आदि के द्वारा गायों के एकत्रित करते थे, समली धवली ऐसे गायों के नाम लेकर के आ करते। कभी कभी गायों भी मान हो जाते, क्योंकि ब्रज में जितने भी जब किंच त्रिनकुल किकट मुखम गुस्ते समझी तक सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकुलम परम शास्त्री वस्फुटमित निश्चिंत जान चय ब्रह्मादि सस्प्रिय मदियंत वंदते। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज में सभी जो चेतनशील है और सबके हृदय में प्रेम जो है पूर्ण मात्रा में, जिसको कहते हैं जाजल्यमान है, इतने प्रेम की सब में इतने सुंदर हुए और कृष्ण लीलानुकुलम, कृष्ण लीला के सभी सभी जो है अनुकूल कहा जाता है। यहाँ पर कोई ब्रज में जो कोई संत रस के भक्त नहीं है, जहां पर भी कहा गया विश्वनाथ चतुर्वेदी कहा दे, जहां जहां पर लिखा है ब्रज में जैसे धूल आदि आदि इसको क्या कहें के बाद गाय आदि के संत रस में कहा गया, किंतु ये संत रस और वैकुंठ आदि में संत रस नहीं है। यहाँ पर सब माधुर्यमय संत रस में कृष्ण की सेवा की सभी रहती है। लीलानुकूलम जतकिंचित तिनकुल किकट मुखम गुष्टे समस्ती तक सर्वानंद में मुकुंद दैतम, सब मुकुंद के समस्त जीवों के जो आनंद प्रदान करने वाले मुकुंद के जो अत्यंत प्रिय कहा गया, मुकुंद दैतम लीलानुकूलम सब लीला के अनुकूल है। इसलिए कभी कभी गाय जो है बहुत दूर चली जाती है और कृष्ण कभी कभी जो है अपने गले में माला लेकर के जो संकेत करके जो है नाम पुकारते थे और कोई गाय जो है वो आ जाती थी। फिर देखा कोई गाय है ही नहीं, कोई आए नहीं, तो कृष्ण क्या करते थे, फिर जो अपने बंसी ध्वनि दे करके वह गाय के नाम लेकर है समली धमली ऐसे नाम लेकर थे, वो गाय सामने के पैर के ऐसे ऊंचा करके पूंछ के जो है ऊपर करके दूर से दूर गोविंद के चरण में आ जाते हैं। गोविंद की बंसी ध्वनि इतने सुंदर मधुर है, ये संकेत के द्वारा इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं बंसी के प्रिय सखी वृंदावन में कहते हैं नट्टम गमनम बंसी प्रिय सखी कहा जा रहा है, कथा गान नट्टम गमनम बंसी प्रिय सखी, उनके चलना भी जो सुंदर नाट जो है कला ऐसे सुंदर है चलते रहना। बंसी प्रिय सखी, बंसी जो प्रिय सखी के बांधी दूती के बांधी काम करते रहती है। इसलिए ये समस्त संग्रह विशेष करके सखियों के साथ कैसे मिलन के लिए संकेत कैसे देते थे, हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। जैसे सखी समाज में बैठे हैं, सपक्ष विपक्ष तस्वत सुहित पक्ष अनेक प्रकार की सखियां होती है, उस सखी में गोविंद विराजमान होते हैं, उस सखियों के कैसे कहेंगे आज सपक्ष सखी सखी के कैसे कहेंगे आज तुम्हारे साथ हमारे साथ मिलन कहाँ होगा। गोविंद के मिलन के लिए समस्त सखियां जब उत्कंठित होते रहते हैं, क्योंकि प्रेम राज्य में एक विशिष्ट वैशिष्ट है, क्या है, उत्कंठा बढ़ाती है। प्रेम जितने भी आगे बढ़ते रहते उतने इकारनेश इतने उत्कंठा बढ़ा देते हैं और उत्कंठा इतने बढ़ते हैं वो समस्त सखियां तड़पती रहती है। जिस प्रकार जल बिना मछली जैसे तड़प 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 करके जैसे प्राण छूटते रहते हैं, गोपियां की उसी प्रकार से वही जाता है। तो यह गोपियां की कैसे बोले, जहां पर विपक्ष गोपियां चंद्रावली की सखियां जहां पर है, तो वहीं पर कृष्ण कैसे कह दे आज तुम्हारे साथ कैसे मिलन होगा, आज हमारे गोविंद के साथ मिलन कैसे होगा। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं कभी कभी जो है अपने बालों के जो है बार बार ऐसे क्या करते हैं, कृष्ण के इतने सुंदर घुंघराले बाल जो है ऐसे जब करते हैं, दूसरी सखिया विपक्ष सखिया सोच रही है कृष्ण के बाल में से धूल लग गया है, ऐसे ऐसे करते हैं, किंतु वास्तव में धूल फूल क्यों नहीं, सपक्ष गोपियों के पता चल जाता है आज गोविंद के साथ कहां मिलन होगा, केशव कुंज में। कहां मिलन होगा, केशव कुंज में, ये केस है ना, आज केशव कुंज में हमारे गोविंद के साथ मिलन होगा। वो समझते सपक्ष गोपियां जो है उस केशव कुंज में जाकर के मिलते थे। और कभी कभी कृष्ण जो है सुंदर हरित सबुज वर्ण के पत्ता लेकर के ऐसे घुमाते रहते थे, पता नहीं चलता है
विपक्ष को भी चंद्रावली को भी पता नहीं चलता रहता है ये क्यों बार बार घुमा रहे हैं, किंतु सपक्ष को भी राधा ललिता विशाखा आदि ऐसे गोपियों की उस संकेत के द्वारा पता चलता था आज गोविंद के साथ कहां मिलन होगा, हरित कुंज में। अभी तक भी वृंदावन में आप प्रवेश करोगे ना, बिल्कुल बांकी बिहारी के थोड़ी आगे इधर आने के बाद आप वहीं पर लिखा है देखना हरित कुंज भी लिखा है, जहां पर हमारे गोविंद श्याम सुंदर राधा आदि गोपियों के साथ जहां पर ऐसे प्रेम विलास आदि करते हैं। ये समस्त सुंदर जो श्रम स्थान है ये कृष्ण ये पर ये समस्त लीला आदि के प्रयास करते थे। अभी अभी महाराज ने बताया ना कभी निशांत लीला की कथा भी वर्णन करते हैं वैष्णव लोग, देखिया वरुण दई वृंदा देवी दस्त है कुंज नाना रब कराई लो सुख सारी पद सुनी उठे राधा नील मणि। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भजन दर्शक ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में कीर्तन के वो कीर्तन की विशेष करके संस्कृत श्लोक जो है करके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गोविंद लीलामृत ग्रंथ की निशांत लीला की कथा बना निशा अंत निशांत रात्रि समाप्त होते जा रहे हैं प्रातः काल होते होते जा रहे हैं, इसी कहा जाता है निशांत लीला। उस निशांत लीला की संकेत जो कौन देते जा रहे हैं हमारे वृंदा देवी संकेत राधा गोविंद, आज वह निर्मित निकुंज कुंज में ऐसे सोए हैं जैसे कोई वस्त्र नहीं है, अपराकृत दिव्य स्थान है गोविंद के शरीर के अंग ऐसे निर्मल जी कृष्ण रूप खाने कृष्ण के अंग कांति कैसे है उज्जवल निर्मणि के भी पराभूत करने वाले इतने सुंदर जो है गोविंद के अंग कांति वह निवृत निकुंज कुंज के जय नील वर्ण की जरा ब्लू रंग के द्वारा इतने सुंदर अलंकित कर दिया। और उसी साथ ही साथ हमारी प्रियाजू राधा जी की अंग कांति कैसे है तप्त कांचन गौरांग आज नील नील और गौरांग गौरज वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण एकत्रित होकर के ऐसे सुंदर होकर के वो गृह की जो है निकुंज गृह की सदन की जो है इतने सुंदर अलंकित कर दिया है, एक दूसरे के जो है पकड़े रखे हैं कि प्रेम ऐसे एक दूसरे के छोड़ना चाहे बिछोड़ना होना नहीं चाहते हैं है। जितने भी सत्य राधा जी सोचते रहते हैं गोविंद मुझे ना छोड़ करके चले जाए ऐसे एक दूसरे के जो है ऐसे पकड़ करके होता है ना सो रमन ना हम रमनी दुआ पेशल एक ल जाने ऐसे हम रमन है कि रमनी है एक दूसरे की प्रेम के द्वारा ऐसे सुसज्जित होकर के रहे। वृंदा देवी यह पर आप लोग देखे ना वृंदा देवी की स्थान है, ये वृंदा देवी के तीन कार्य होता है मुख्य वृंदा देवी सिंगारस की कार्य करते हैं और उनकी जो है प्रकाश जो है जोगमय जो है सर्वत्र लीला को संपादन करते रहते हैं वैकुंठ से लेकर सारे यदि कृष्ण के समस्त लीलाओं की भी जो है संपादन करने के लिए जोगमय करते जोगमय उपासितम। और तीसरी जो है कृष्ण के और एक जो है वो पूर्णमासी वो लीला की जो वात्सल्य रस की लीलाओं के वो भी संपादन करते हैं। इसमें वृंदा देवी देखा क्या अभी तो अरुणोदय होने वाले हैं पूर्व दिशा जो है उजाला हो गया ब्रह्म मुहूर्त होने वाले हैं किंतु राधा गोविंद एक दूसरे के साथ ऐसे पकड़ करके रखे हुए हैं है, कोई नींद टूटी नहीं। उस समय वृंदा देवी क्या करते हैं प्रातः काल में वह जो है क्या बोलते हैं मुर्खा के जो है मुर्खा के जो है ताम्रपिंच जिसको कहा जाए संस्कृत में कहते हैं ताम्रपिंच कहा जाता है ताम्रपिंच में जिसके सिर पर जो है वो ताम्र वर्ण के जो है पिंच होता है इसलिए ताम्रपिंच पिंच कहा जाता है। वो ताम्रपिंच जो है वो मुर्खा जो है रोस्टर जो है उसको संकेत दे दिया वो उसी संकेत को प्राप्त करके कुकुर को बोले वेद मंत्र के द्वारा जैसे प्रातः काल में ब्राह्मण बालक उठ करके वेद मंत्र जैसे उच्चारण करते हैं ओ है इस मंत्र के जिस प्रकार जप करते हैं हम लोग के संप्रदाय में तो गायत्री मंत्र जोर से उच्चारण करें किसी किसी संप्रदाय में करते हैं देखना इसी कदर उदात्त उन्दात्त और सरित इस मंत्र के जप करने की है और वृंदादेवी के आदेश प्राप्त करके वह जो है मुर्गा जो है वो वेद मंत्र के ध्वनि करने शुरू कर दे कोई सिखी कहने वाला रे मूर्त मूर्त जाओ लोक में जाओगे जा हमारे प्रिया प्रिया जो अभी सहन कर रहे हैं और उसके निद्रा में तू व्याघात कर रहे हो जा तू जम लोग जा
ऐसे अभिशाप सुनते ही वो मुर्गा जो है डर गई, बस बंद कर दिया। वृंदादेव भी फिर संकेत देने लगे। अभी वृंदादेव भी कैसे संकेत दे रहे, वृंदादेव भी छोटे छोटे पक्षी को संकेत देने लगे। वो पक्षी है जो है अपने घोंसले में, घोंसले से थोड़ा बाहर आकर के अपने पंखों के द्वारा झप 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 करने लगे। किंतु राधा गोविंद की नींद टूटे ही नहीं है, क्योंकि दूसरी और रात्रि काल में इतने रास विलास किया, नित्य गीत आदि किया और नित्य करते करते सभी इतने परेशान तो हो गए, आज गंभीर निद्रा में पड़े हैं। पक्षी के आवाज भी से संकेत भी उनके पास नहीं है। फिर वृंदादेवी ने क्या की, वृंदावन ने कक्कटी के जो बूढ़ी बंदरी, बंदरी के जो है उसका संकेत दे दिया राधा गोविंद की निद्रा से उठने के लिए। बूढ़ी बंदरी कक्कटी वहीं पर जाकर के राधा गोविंद के निभृत निकुंज कक्ष के निकट जाकर के ऐसे करने लगे। और उस समय कोई सखी ललिता देवी और कोई सखी कहने, रमन मंजरी ये कक्कटी बूढ़ी कक्कटी बंदरी आकर के हमारे राधा गोविंद के निद्रा के जो है बाधा सृष्टि करे, तो जाओ तुम जाकर के जो बंदरी के जो है निषेध करो। देखा उससे भी राधा गोविंद की जो है नींद नहीं टूटे। तब उसने वृंदादेवी क्या संकेत करती है, वृंदादेवी तब सुक और सारी को जो है निर्देश देते हैं। उस समय सुक और सारी सुंदर संस्कृत पद्य के द्वारा राधा गोविंद की लीलाओं की जो है कीर्तन करने लगे। उसे क्या बोले, एक जैसे हमारे गोविंद में कहते हैं, जैसे सूर्य प्रातः काल में जब उठते हैं उसके कर्म जो किरण जो है बहुत सुंदर सुकमल होता है, उसके जटिल शब्द कहा जाता है, है? और उस समय जटिल जटिल ऐसा शब्द होने लगे, राधा जी सोचने लगे जटिला आ रही है, बस जटिल शब्द से जटिल शब्द उनके मन में आ गया। तो उस समय राधा जी भयचकित होकर के सशक नेत्र के भांति इधर उधर देखते हुए और अपने गात्रोत्थान किया, मन उठे। फिर मंजरिया ये समस्त लीला जो है, मंजरिया अब दूर से जो है और राधा गोविंद के सुंदर सुरम्य उनके जो है अंग कांति को दर्शन करने लगे। बहु जन्म के सुभाग्य हो, राधा गोविंद के अंग की सुगंध, अंग की सुंदर जो दर्शन होता है, जैसे आज प्रातः काल में देखा ना श्रीमती राधा जी के जो चरण कमल के दर्शन, सबके लिए होता है, एक दिन दर्शन कराया जाता है राधा जी के चरण सबके भाग में दर्शन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग राधा जी के बाद छोड़ दीजिए कृष्ण के चरण दर्शन करने के लालायित होते रहते हैं, किंतु राधा के चरण दर्शन है। तो ये समस्त मंजरी है, सखी जो रूप मंजरी, रति मंजरी आदि जो है सुंदर झोरखा से छोटे छोटे जो छिद्र जो झोरखा कहा जाता है वहां से राधा गोविंद कैसे सुंदर दिव्य अलौकिक मूर्ति आदि दर्शन दर्शन करे। जब राधा गोविंद जगे और उस समय मंजरी जो है उसी सैनिक कक्ष में आकर के सखियों के राधा गोविंद की जो है वस्त्र आदि यथाजथ रूप में उनकी स्थापित किया, सुसज्जित किया। इसके बाद पश्चात जो है ललिता विषादी ललिता विशाखा आदि सखीगण आकर के फिर राधा गोविंद की यथाजथ सेवा आदि करके जय जय राधा कृष्ण जुगल मिला आरती करन ललिता दि सखीगण मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर। इसी प्रकार जो सुंदर प्रकार की ये समस्त संकेत के स्थान है, झूला के संकेत स्थान है, यहाँ पर झूलन यात्रा होती है। बहुत सुंदर गुरुदेव आदि थे ना, गुरुदेव स्वयं इस कथा को बोलते थे, क्योंकि उस समय हमारे जनार्दन महाराज आते थे और उस समय त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आते थे, सब बड़े बड़े ये गुरुदेव की ऐसे ऐसे श्रोता हो तो बोलने के लिए इच्छा होता है और श्रोता हो तो क्या बोलेंगे। तीन प्रकार के होता है, एक श्रोता होता है, सरोता होता है, एक श्रोता होता है सोते रहते, उसको क्या बोलेंगे। तो इससे जो जनार्दन महाराज जी आदि ऐसे ऐसे संत महात्मा आदि थे, गुरुदेव स्वयं जो यहाँ पर वहां पर बैठते थे और इस कथा को वर्णन करते थे। ये संकेत की वास्तविक स्थान क्या है, कृष्ण यहाँ पर आकर के जब संकेत करते थे, राधा रानी बरसना से यहाँ पर आ देते थे और आकर के यहाँ पर दुल्हन की मिलन की लीला होता था। बलो संकेत बलो संकेत संकेत श्री श्रीमती राधा रानी की जय, बलो निकुंज श्री राधा रानी की जय, जय श्री राम। इसलिए तो हमारे गोस्वामी वर्ग ये हमारे गुण मंजरी कौन है, ये हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट में के सिद्ध स्वरूप क्या गुण मंजरी है, अपने सिद्ध स्वरूप में स्थित होकर के ये समान लीला आदि स्मरण करते हैं। यही लीला स्मरण गाव गाव कृष्ण नाम अचिरते कृष्ण कृष्ण प्रेम
ठाकुर कर रहे हैं। यही लीला स्मरण और नित्य प्रत्यय प्रातः काल में उठ करके इस लीला को स्मरण करें और धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में ये भक्ति उदित होगा। बोलो संकटेश्वरी मदा रानी की जय, जय श्री राम। बोलो संकेत स्थान की, बोलो गोपाल भट्ट गोस्वामी की। आपनारा सुनलें संकेत स्थान, जेखान थेके इशाराय राधा गोविंदेर मिलन हय।